टेक कंपनी गूगल ने यौन उत्पीड़न की आरोपी कंपनी के एग्जीक्यूटिव रहे अमित सिंघल को 4.5 करोड़ डॉलर यानी 312 करोड़ रुपए का एग्जिट पैकेज दिया है। इसका खुलासा शेयर होल्डर की ओर से गूगल पर दायर मुकदमे में हुआ। इसमें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पर आरोप लगाया गया है कि उसने सिंघल को एग्जिट पैकेज देकर अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर लिया है। बता दें कि एग्जिट पैकेज तब दिया जाता है जब कंपनी किसी अधिकारी को जॉब से बाहर निकालती है। इसके तहत दी जाने वाली राशि पहले से कॉन्ट्रैक्ट की शर्त में तय की जाती है। कंपनी पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले को सख्ती से नहीं निपटाने पर आरोप भी लगाए गए। बता दें कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद सिंघल ने 2016 में इस्तीफा दिया था। खुलासे के मुताबिक गूगल ने सिंघल को नौकरी से निकाले जाने के पहले 2 साल 104 करोड़ रुपए और तीसरे साल 35 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ डॉलर देने की सहमति जताई थी। शर्त ये थी कि वो 3 साल तक कॉम्पिटिटर कंपनी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन गूगल से बाहर होने के बाद सिंघल ने 1 साल बाद ही उबर ज्वाइन कर लिया था। कुछ ही हफ्ते में जब यौन उत्पीड़न वाली बात सार्वजनिक हो गई तो उन्हें ये जॉब छोड़नी पड़ी। इस तरह गूगल ने सिंघल को 1.5 करोड़ डॉलर ही दिए थे। सिंघल पर एक महिला कर्मचारी से छेड़खानी का आरोप लगाया गया था। गूगल ने इस मामले की जांच कराई तो आरोप सही पाया गया। इसके बाद सिंघल से इस्तीफा लिया गया। शेयर होल्डर्स का कहना है कि जब सिंघल ऐसे मामले में आरोपी थे तो उन्हें एग्जिट पैकेज नहीं दिया जाना चाहिए था। झांसी में जन्मे सिंघल ने IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री ली। वो 15 साल तक गूगल की कोर सर्च टीम के प्रमुख रहे। गूगल पर दायर इस मुकदमे में सिंघल के अलावा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के हेड एंडी रूबिना का भी जिक्र है। रूबिना पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और मुकदमे के मुताबिक गूगल ने उन्हें 9 करोड़ डॉलर यानी करीबन 625 करोड़ रुपए का एग्जिट पैकेज दिया था। ये रकम 4 साल तक हर महीने बराबर किश्तों में दी गई थी। पिछले साल अक्टूबर में एंडी रूबिना का मामला उजागर होने के बाद दुनिया भर में गूगल की महिला कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रूबिन को 2014 में कंपनी से हटाया गया था।